आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के गृह विभाग से जारी हुआ निर्देश, हटेंगे सड़क के किनारे स्थापित धार्मिक स्थल। कमिश्नर ने कहा, शासन के निर्देश का होगा पालन। गगहा थाना क्षेत्र में हुए रितेश मौर्य के हत्यारों का पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी वीडियो फुटेज व तस्वीर। घोषित किया 25,000 का इनाम, लोगों से की अपील। कहा, हत्यारों की गिरफ्तारी में पुलिस का करे सहयोग, सूचना देने वालों के नाम को रखा जाएगा गुप्त। मरीजों को बेची जाने वाली दवाओं के प्रिंट रेट में हेराफेरी का एडीएम फाइनेंस ने किया खुलासा। मेडिकल कॉलेज गेट स्थित राजू मेडिकल स्टोर पर मारा छापा। कहा, दुकानदार 205 रुपए के खुदरा मूल्य की दवा मरीजों को बेच रहा है 3,750 रुपए की प्रिंट पर। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दवा विक्रेता समिति के महामंत्री ने भी ओवर प्राइसिंग को बताया गलत। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने लूट की टूटी हुई सोने की चेन तथा 7,000 रुपए नगद के साथ दो शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। सीओ कैंट ने किया खुलासा, भेजा जेल। थाना संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम व एसएसपी ने सुनी पिपराइज और शाहपुर थाना पर फरियादियों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। स्वर्गीय रविंद्र सिंह की स्मृति में 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव का भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तथा कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, इस तरह के आयोजन से निखरती है खिलाड़ियों की प्रतिभा। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीओ कैंट ने रामगढ़ताल पुलिस को दिए टिप्स। जनता से समन्वय स्थापित कर क्षेत्र में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगवाने के दिए निर्देश। नो स्मोकिंग डे के अवसर पर 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन तथा 45वीं यूपी पुरुष बटालियन ने किया जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन। स्मोकिंग से होने वाले हानियों के प्रति किया गया जागरूक। गोरखपुर में शनिवार को मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,507। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 33 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कैंट थाने पर आयोजित हुआ संपूर्ण थाना समाधान दिवस। सीओ कैंट ने कहा, पुलिस से संबंधित आया एक मामला, शेष मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी मनाएगी काशीराम की जयंती। वार्डों में चौपाल लगाकर सुनेगी जनता की समस्या। और सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा शनिवार को लगाई गई हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी। पोस्टर प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत।